1,50,000, ये गिनती है उन लोगों की जो कि कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है। सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, बट कुछ लोग उस 24 घंटे का इस्तेमाल कर ऊपर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उस 24 घंटे को खराब कर रहे होते हैं। नमस्कार। समय, अपना समय किसी को मत दो। मेरी किस्मत खराब है। आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। मन नहीं लगता। इफ यू डोंट टाइम योर एक्शंस राइट, इवन द बेस्ट एक्शंस विल गो वेस्ट। समय बहुत कीमती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आई एम अ मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज़ टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं और एजुकेशन में मेरी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। चलो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे पास कई दिन से कॉल्स एंड मेल्स आ रहे हैं कि भैया हम अपना पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बोलेंगे भैया, हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे दिन खराब कर देते हैं। हम एक शेड्यूल बनाते हैं पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक का, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पाते और उसके बाद रिग्रेट होता है कि टाइम कहाँ चला गया। तो इसके साइंटिफिक सोल्यूशन की बात करेंगे, बट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक चीज कहूंगा यार, अगर आप अभी खाना खाते टाइम वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो का कोई काम नहीं है। अगर तुम रियली में कुछ करना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, वो गोल जो तुमने देखा है, अगर तुम्हें उस गोल को पाना है, उठो एक नोटबुक लाओ और बैठो फिर ये वीडियो देखो। क्योंकि बिना नोटबुक के ये वीडियो देखने का मतलब है तुम एक मूवी देख रहे हो। ये मूवी नहीं है बेटा, ये जिंदगी बदलने वाली वीडियो है, इस बात को याद रखना। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। भैया टाइम निकल जाता है, उसका पहला रीजन ये है कि तुम्हें तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। अरे नहीं भैया, हमें तो हमारे टाइम की इंपॉर्टेंस पता है, ऐसे कैसे कह दिया। अभी समझाता हूँ। इमेजिन करो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करो मैंने आप सभी को 24,000 रुपए दिए, 24,000 मैंने आपको दिए और मैंने कहा तेरे पास 24 घंटे हैं, इस 24,000 रुपए को 24 घंटे के अंदर खर्च कर दे और बाकी इसमें से जितना भी पैसे बचे जो तू 24 घंटे के अंदर खर्च ना कर पाए वो तू मुझे वापस दे दे। आप में से 99% लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे 24,000 रुपए खर्च कर देंगे। कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो कि पैसे वापस ला कर देगा। हर एक स्टूडेंट बोल लूं या फिर व्यक्ति कह लूं, वो सारे पैसे खर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस मनी की वैल्यू क्या है। उस पैसों से तुम यार अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें खरीदोगे, जैसे किसी को फोन की जरूरत है, किसी को कपड़ों की जरूरत है, वो सारी चीजें तुम खरीद रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मनी की इंपॉर्टेंस पता है। तुम उसमें से 1,000 रुपए भी गवाना नहीं चाहोगे। अगर सेम सिचुएशन में तुमसे कहूं, इमेजिन करो तुम्हारे पास 24,000 रुपए हैं और मैं तुमसे कहूं सुन, इस 24 में से मेरे को 2,000 दे दे, 2,000 बस 2,000, क्या तुम दोगे? अगर तुम मेरे से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तो शायद दे दो, वरना 90% लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्हें मनी की इंपॉर्टेंस पता है। सेम चीज अगर टाइम पे आती है और आपका एक दोस्त आपसे कहता है कि चल आज 2 घंटे फुटबॉल खेल के आते हैं, तो वो आपसे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांग रहा है और वो शायद पैसे से भी बड़ी है, बट फिर भी आप उसको दे देते हो। ठीक है यार, दोस्त कह रहा था खेल ही आते हैं। अरे तेरे 2 घंटे खराब हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खेलना बुरा है। एक लिमिटेड टाइम पे 6 घंटे सोने का सपना देखते थे तुम कि यार 6 घंटे सोएंगे, फिर तुम टाइम टेबल बनाते थे, बट तुम 8-8, 9-9 घंटे सो रहे हो। अरे भाई, ये जिंदगी के 2-2, 3-3 घंटे जो तुम डेली वेस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ को ना बहुत नीचे खींच के ले जाएंगे। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। किसी भी बड़े आदमी से मिलोगे ना जो कि एक बिजनेसमैन है, फिर एक ऊपर वाली पोजीशन पे IAS IPS, वो बोलेगा यार पैसों से बड़ी चीज है टाइम। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है यार टाइम जो है ना ये इतनी बड़ी चीज है और इसको जो गवा रहा है ना वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। भाई ये तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपने हमें समझा दी, बट अब ये बताओ ये होता क्यों है, ये टाइम वेस्ट हम करते क्यों है, पूरा पूरा दिन कैसे खराब हो जाता है? हमारे पास गोल है, हमारे पास मिशन है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, बट उस मिशन से मैं भटक क्यों जाता हूँ? उसके पीछे का रीजन है तुम्हारा ब्रेन। ब्रेन की साइकोलॉजी समझते हैं। ब्रेन जो है ना वो जैसे ही आपको स्ट्रेस में देखता है कि यार आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो वो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता है कि तुझे इस स्ट्रेस से बचने के लिए इस पाथ पे चला जा, तेरी सारी स्ट्रेस गायब हो जाएगी। ब्रेन ऐसे काम करता है। तो जब आप पढ़ते हो ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपको स्ट्रेस होती है, आपका ब्रेन कहता है अरे भाई बहुत हो गया, अब तो ना मुझे कोई ऐसी जगह में जाना है जहां पर मैं खुश हो जाऊं, मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल जाए। और वो हैप्पीनेस होती है आपका मोबाइल फोन। इंस्टाग्राम खोला स्क्रॉल करते गए, यूट्यूब शॉर्ट्स खोला स्क्रॉल करते गए, एंड आपका ब्रेन आपको रोकेगा नहीं, वो कहता जाएगा करते रहे मजा आ रहा है, और तुम्हें भी मजा आता रहे। बट उसी समय आपके दिमाग का एक कोना, एक छोटा सा कोना आपसे बार बार बोल रहा होता है यार बढ़ ले, यार
मेहनत कर ले यार, पिछले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद इस साल भी नहीं होगा यार, सबको प्रूव करके दिखाना है यार। पेरेंट्स की इतनी उम्मीद है, टीचर्स की इतनी उम्मीद है, सबको गलत प्रूव करना है कि यार मैं कर सकता हूँ, रिश्तेदारों को गलत प्रूव करना है। तो छोटा सा पीस ऑफ ब्रेन आपसे बार बार कहे जा रहा है, बार बार कहे जा रहा है, बट आप उसको इग्नोर करते और आप इंस्टा रील स्क्रॉल करते रहे। और हमें कब पता चलता है कि यार ब्रेन हमसे कह रहा था, हमें जब पता चलता है जब ये पूरा दिन गुजर जाता है और रात को हम देखते हैं कि आज तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया, पूरे दिन क्या करा, कुछ नहीं करा, फिर रिग्रेट होता है और फिर याद आता है यार गोल तो मेरा वो था, उस गोल से मैं आज भटक गया। और फिर हम खुद से वादा करते हैं कल से पढ़ेंगे और कल ये फिर होता है और इस साइकिल में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस साइकिल को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और अगर तुम में जुनून है, आज एक 21 दिन का चैलेंज दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 21 दिन का चैलेंज फॉलो कर लेना, मैं बता रहा हूं ये साइकिल से तुम ब्रेक डाउन करके बाहर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर करने के बाद मुझे 3 मेजर रीजन मिले जिनकी वजह से इस साइकिल के अंदर तुम फंसते रहते हो, इस साइकिल के अंदर बार बार तुम फंसते रहते हो। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन। भैया प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है यार? चीजों को टालना। बहुत बार हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, चीजें हमारे समझ नहीं आती, हमारा ब्रेन जो है हमसे कहता है इंस्टा रील चलाओ, और उसके बाद हम बोलते हैं कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, और ये दिन चलते रहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबके सोल्यूशन बताऊंगा। सेकंड नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेलियर। बहुत से बच्चों को ना डर लगता है। एग्जाम्पल, जब हम बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि IIT JEE, नीट, UPSC, 12th क्लास बोर्ड, उसमें क्या होता है ना, हमें डर लगता है कि यार अगर मेरी ये परसेंटेज नहीं आ पाई तो, अगर मेरा वो सिलेक्शन नहीं हो पाया तो, अगर मेरी रैंक नहीं आ पाई तो मैं कैसे फेस करूंगा सबको, अगर मैं फेल हो गया तो कैसे मैं फेस करूंगा। और उसकी वजह से 90% लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते और उस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। यह रीजन नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। एंड अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करो मैं आपके क्लास का टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपकी क्लास का टीचर हूँ, हमारी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, जो भी क्लास टेस्ट के अंदर रैंक 1 लाएगा, ध्यान से सुनिएगा, रैंक 1 लाएगा, उसको मैं 1,500,000 का कैश प्राइज दूंगा। इतनी बड़ी रकम मैं आपको दे रहा हूं अगर तुम फर्स्ट रैंक लाते हो तो। ये सुनने के बाद सभी बच्चे मोटिवेटेड होंगे और वो पढ़ने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा? टॉप 3 स्टूडेंट्स, जो कि हमेशा से क्लास के अंदर टॉप 3 रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चांसेस बहुत ज्यादा है सेलेक्ट होने की, नंबर 1 आने की चांसेस उनकी बहुत ज्यादा है। एंड सबसे कम मेहनत पता है कौन करेगा? ये 100 स्टूडेंट जो कि हर बार क्लास में आखिरी आया है और उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाया, अब मैं कैसे फर्स्ट आ जाऊंगा, और वो मेहनत ही नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है सेल्फ डाउट। कभी कभार क्या होता है, जब हम एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमें खुद पे डाउट होता है कि यार क्या ये चीज मेरे लिए बनी है। अरे तेरे लिए सब चीज बनी है, और इसका भी बिल्कुल सोल्यूशन दूंगा मैं कि क्या बेस्ट सोल्यूशन इसका हो सकता है, बट प्रॉब्लम आप समझिए सेल्फ डाउट। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, इन तीनों के सोल्यूशन में देने वाला हूं 1, 2, 3 करके, एंड अगर कोई भी आपको इनमें से अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को डील करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। उसके लिए यार मैंने आपसे एक नोटबुक मंगवाई थी, याद है ना, शुरू में मैंने आपसे कहा था एक नोटबुक लेकर बैठना। वो नोटबुक क्या आपके पास है? अगर पास है तो उसको खोल लो और मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, वीडियो को पॉज करके उन चीजों को लिखना। 3 ऐसे रीजन जो कि तुम्हें लगते हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर जिससे कि तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो। जब भी तुम तुम्हारे पास कुछ करने के नहीं होता ना, तो तुम इन 3 रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ, एक इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, आप अपने केस लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, एक फेसबुक हो गया, ठीक है, और उसके अलावा एक और ले लेते हैं कोई भी, फेसबुक वगैरह वैसे मैं चलाता नहीं हूँ, बट फिर भी एक व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, तो ये हमने लिख लिए, ठीक है, ये 3 हमारे रीजन हो गए। आपके क्या रीजन है? सबके अलग अलग रीजन होंगे, किसी के शायद किसी से चैटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 रीजन आपने लिख लिए। अब हमें जिंदगी से इन 3 रीजन को कटआउट करना है। भैया ये क्या बात कर, डिस्ट्रैक्शन को कटआउट करने से प्रोक्रास्टिनेशन का क्या रिलेशन? अरे बहुत बड़ा रिलेशन है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो एक बंद कमरे में आपको रख दिया जाए, बस आपको अपनी किताबें दी जाएं, बाकी कुछ नहीं उस कमरे में। आपके पास एक बेड है, किताबें और स्टडी डेस्क। आप क्या करो, क्या करोगे आप अगले 7 दिन के अंदर? अगर आपको उसके अंदर रख दिया जाए, आप फिर क्या करने वाले हो? या तो आप सोओगे या तो आप पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ करने को नहीं है। अगर हम इन 3 डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें तो 90% एक्सक्यूज जो हम खुद को दे रहे होते हैं ना कि 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूं फिर पढ़ लूंगा, वो सारे के सारे यहां से कट आउट हो जाएंगे।
इसका मतलब क्या है कि यार हमें ये सबसे पहले इन तीन डिस्ट्रैक्शन को जो हमारी लाइफ के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है इनको काटना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 डे चैलेंज। ध्यान से देखिएगा, 21 दिन का चैलेंज हमें बनाना है और उस 21 दिन से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? 21 दिन के चैलेंज में आपको करना क्या है ना, आपको हर रोज जैसे ही आप रात को सोते हो ना, तो आपकी फोन की सेटिंग होती है, फोन होगा आप सभी के पास जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे, तो उस फोन की सेटिंग में आपको ऊपर क्लिक करना है और आपको ऐप, जो भी ऐप आपके तीन जो मोस्ट जिनका आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, उन तीन ऐप की आपको टाइम यूजेज देखना है। टाइम यूजेज करके होता है, जैसे इंस्टाग्राम आप खोलोगे सेटिंग में जाकर तो आपको दिख जाएगा कि कितने घंटे मैंने आज यूज करा। और हर रोज रात को सोने से पहले एक नोटबुक बना लो और उसमें लिख दो कि यार ये तीन मेरे जो भी डिस्ट्रैक्शन थे आज मैंने उसमें 30 मिनट लगाए, इसमें मैंने 20 मिनट लगाए, और इसमें मैंने जो भी तीसरा है उसके अंदर मैंने 50 मिनट, मतलब ऐसे अपने अकॉर्डिंगली एक टाइमलाइन बना लो। और हर रोज आपको रात को सोने से पहले ये मेंटेन करना है नेक्स्ट 21 डेज के लिए। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अपनी जिंदगी में इसलिए है क्योंकि हम कभी देखते ही नहीं है कि हम कितना टाइम खराब करेंगे। जिस दिन आप देखना शुरू कर दोगे ना, आपको पता चलेगा आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 घंटे खराब कर रहे हो। आपको उस दिन रियलाइज हो जाएगा कि भाई इसको तो कम करना पड़ेगा, और डेली ऑटोमेटिकली आप खुद इसको कम करते जाओगे नेक्स्ट 21 दिन के अंदर। कौन कौन इस 21 दिन के चैलेंज को फॉलो करने वाला है वो तो मुझे कमेंट में जानना है। एंड याद रखना कि यार अगर तुम कमेंट करते हो इसका मतलब है मानूंगा तुम फॉलो करोगे। अगर 21 दिन के बाद हार गए ना, 21 दिन से पहले हार गए, बाद में तो तुम डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा, बट अगर पहले हार गए तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर कमेंट कर रहे हो इसका मतलब फॉलो करोगे, और तभी कमेंट करना। अगर हिम्मत नहीं है फॉलो करने की, कमेंट मत करना। अब देखो, इस 21 दिन के चैलेंज को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तीन पार्ट में मैंने डिवाइड करा है, देखो कैसे, 7 डे 7 डे 7 डे, 3 7 डे के हमने पैटर्न में डिवाइड करा है। पहले 7 दिन हमें क्या करना है, पहले 7 दिन हम जो नॉर्मल काम करते हैं डेली की पढ़ाई वगैरह वही हमें करनी है, और हमें हमारी चीजों के बारे में नोट डाउन करते रहना है कि यार आज इंस्टाग्राम पे इतना लगाया, आज इस पे इतना लगाया, आज इस पे इतना लगाया, तो उससे आपका ऑटोमेटिकली 7 दिन तक कम होता जाएगा। बट 8वां दिन वो दिन होगा, साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती है, वो जो रेजोल्यूशन होता है ना वो 7 दिन तक तो टिकता है बट 8वें दिन नहीं टिकेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले 7 दिन तो हमें नॉर्मल काम करना है और नोट डाउन करते रहना है। अगले 7 दिन में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगले 7 दिन में हमें हमारा वर्क प्रेशर को इंक्रीज करना है। मतलब मान के चलो आप अगर सोचते थे कि मुझे आज इतने काम करने हैं, तो उस काम को बढ़ा दो, एक चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दो। उससे क्या होगा कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वगैरह देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा और आप ज्यादा टाइम कर पाओगे। और आखिरी के जो 7 दिन है वापिस से हमें वर्क बैलेंस पे ले आना है। मतलब यार अगर हम वर्कलोड बढ़ाते रहेंगे तो इसका मतलब तो हम तो पागल हो जाएंगे क्योंकि वर्कलोड ज्यादा भी नहीं ले सकते हम। तो फिर क्या करना है, हमें एक बैलेंस वर्कलोड पे आ जाना है वापस से, जो हम पहले फॉलो कर रहे थे। और जिसने ये 3 पड़ाव पार कर लिए जिंदगी में, उसके जिंदगी में जो डिस्ट्रैक्शन नाम का कीड़ा है ना वो चला जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगी, तुम आज का काम आज करके सोगे हर रोज। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि था हमारा यार फियर ऑफ फेलियर। एक स्टोरी से सुनाता हूँ। मान के चलो यार तुम्हें पार्टी में जाना है और तुम तैयार वगैरह हो गए, कोट वोट पहन लिया, एकदम पार्टी में जा रहे। तुमने एक दिन पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली कि पापा मम्मी मुझे पार्टी में जाना है रात को 8 बजे, सबने हाँ भी बोल दिया। अब क्या हो रहा है, तुम तैयार होकर निकल रहे हो और सामने गेट पे तुम्हारे पापा खड़े, और तुम्हारे पापा ने तुमसे कहा कि कहाँ जा रहे हैं, और तुमने कहा कि पापा पार्टी में वो कल आपसे परमिशन ली थी। पापा ने बोला ना 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 नहीं जाएगा। अब बोलोगे क्यों, कल तो हाँ कर दिया था। नहीं, आप पूछोगे क्यों नहीं जाना, तो आपके पापा ने आपको आंसर दिया कि रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं डेली में, क्या पता तेरा भी हो जाए। फिर तो आप अपने पापा से क्या कहोगे, पापा यार ये तो बहुत नेगेटिव चीज हो गई ना। अगर आप ऐसे सोचोगे तो ऐसे तो यार सबके एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो बहुत रैंडम चीज है, तो ऐसे अगर हम इतना जिंदगी में नेगेटिव होंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो नेगेटिव हो रहे हो। अरे यार एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले से सोच के बैठे हो कि मैं हार गया तो, मैं फेल हो गया तो, अपना बेस्ट। पता है तुम्हें फेलियर से बड़ी चीज है रिग्रेट। जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फेलियर होता है चलेगा, फेलियर से सीखोगे, बट रिग्रेट, इमेजिन करो इस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन करते हो और आखिरी दिन तुम पेपर देने ही नहीं जाओगे, तो पूरे 20-25 साल तुम्हारी जिंदगी में रिग्रेट रहेगा कि काश मैं वो पेपर दे दिया होता। वो एक सबसे बड़ी गंदी चीज। इसलिए यार फियर ऑफ फेलियर को खत्म करो, पॉजिटिविटी लाओ, और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं इनको निकाल के फेंको, क्योंकि जिस दिन तुमने निकाल के फेंक दिया ना, जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, बट तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 3, और इसके बाद मैं अपनी एक सुपर टिप भी दूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3 थी सेल्फ डाउट। वो याद है ना, वो बच्चा जो था जो कि 100 पोजीशन में था, फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करता, चाहे उसे 15 लाख का प्राइस दे दे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भैया अगर मैं आज एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरा तो वो एग्जाम क्लियर हो ही नहीं पाएगा या उतनी परसेंट आ ही नहीं पाएगी, तो मैं क्या करूं? देखो
ये होता इसलिए इसके पीछे की साइंटिफिक स्टडी ये बोलते हैं कि आपका ब्रेन जो है ना वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको जोड़ता है कि कभी तू क्लास का टॉपर नहीं रहा मतलब तू अभी नहीं बन पाएगा, ये आपका ब्रेन आपको सिखाता है। अब आपको अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल में रखना है, ब्रेन से कंट्रोल नहीं होगा, ब्रेन को खुद कंट्रोल में रखोगे कैसे, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, एक छोटी सी टेक्निक जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वो होता है रिवॉर्ड सिस्टम। क्या होता है रिवॉर्ड सिस्टम? दो प्रकार के रिवॉर्ड सिस्टम मैंने बना रखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर और मैं अपने हमेशा हर एक स्टूडेंट को ये बताता हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड और एक होता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब हर कोई समझता होगा, है ना, तब समझाता हूँ। देखो, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, दो प्रकार के रिवॉर्ड आपको खुद को देने हैं। ये थोड़ा डीपली समझाओ, समझ नहीं आया। देखो करना क्या है ना तुमको, बहुत सिंपल सी चीज है। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड तुम्हें खुद को देने है, इसका मतलब तुम एक टाइम टेबल बनाते होगे कि आज मैं 6-7-8 घंटे पढ़ूंगा, ये सब चीजें मैं कंप्लीट करूंगा। तो तुम अगर वो सारी चीजें आज कंप्लीट कर पाए जो तुमने बनाया था या फिर उसका 90% भी कर पाए तो तुम्हें खुद को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देना है। ये पर रिवॉर्ड क्या दें? कुछ भी हो सकता है रिवॉर्ड, जैसे कि जो तुम्हें चीज पसंद है उसका एक्स्ट्रा टाइम। मतलब मान लो यार मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलने जाना बहुत पसंद है, तो जिस दिन तुम ये शॉर्ट टर्म फॉलो कर लो, अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो कर लो, तो नेक्स्ट डे में जो भी आपकी बेस्ट हैबिट है उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दो। मतलब यार मुझे गाने सुनने बहुत पसंद थे तो मैंने पिछले दिन में पूरा टाइम टेबल फॉलो करा था, तो मुझे मैं शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड क्या दूंगा कि 10 मिनट एक्स्ट्रा खेल लेता हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा गाने सुन लेता हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा डांस कर लेता हूँ। तो ये होता है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। ये बड़ी शानदार चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिंपल सी चीज की जब भी आप पूरे एक वीक तक अपने हर एक शॉर्ट टर्म के जो आपके गोल्स थे ना, डेली के जो आपके गोल्स थे, अगर आप उनको फॉलो कर पाए तो आपको आप खुद को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देना है। भाई लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड में क्या देंगे? जैसे कि यार देखो कुछ बच्चों को मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो एक छोटी सी मूवी 1-2 वीक के बिटवीन में आप देखिए आए, या फिर किसी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है तो आपने एक मैच खेल लिया पूरा फुटबॉल का 90 मिनट्स का, या फिर किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है वो क्रिकेट खेलने चला गया वीक में एक बार। तो ये होता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। भैया पर ये रिवॉर्ड्स हम खुद को दे क्यों रहे हैं? पीछे का लॉजिक ये है कि आपका ब्रेन है ना वो आपको पढ़ने नहीं देगा कभी भी, तो आपको उस ब्रेन को लालच देना पड़ेगा कि यार देख अगर तूने कर लिया ना तो तुझे आज एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। तो आपका ब्रेन बोलेगा अरे हाँ यार एक्स्ट्रा कर रहा है तो अब तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, अब तो मजा आएगा। क्योंकि आपका ब्रेन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका ब्रेन हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जाएगा, स्ट्रेस नहीं चाहता वो जिंदगी में। अगर उसे एक दिखेगा कि यार हाँ यार मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपको वहीं लेके जाएगा। वो जो लाइन होती है ना कि एक एवरेज बच्चा कैसे टॉपर बनेगा, ऐसे टॉपर बनेगा, दिस इज द बेस्ट टेक्निक, इससे बढ़िया टेक्निक कोई नहीं है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, पूरे YouTube पे मेरी गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि यार मैं हजारों बच्चों से डेली बात करता हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आती है और जड़ से उन प्रॉब्लम्स को निकालता हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट एक सुपर टिप, लास्ट टिप देके जाऊंगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, मुझे अपना बड़ा भैया मानते हो तो एक छोटी सी टिप दूंगा, ध्यान से सुनना, ज्यादा लोगों को बतानी नहीं होती है, सुपर टिप होती है आपकी और मेरे बीच की। तो टिप ये है, देख यार जब भी तू प्रिपेयर करेगा ना किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, तुझे स्ट्रेस होगा, एग्जाम टाइम पे बहुत स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस को डील करने के लिए ना एक सिंपल सी चीज है, जब भी आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा हो कि यार अब तो दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, जाओ बाथरूम में और कोल्ड शावर ले लेना। कोल्ड शावर क्या होता है? ठंडे पानी से नहा ले, बस ये कर लेना, जब भी स्ट्रेस हो जिंदगी में ये कर लेना, बेस्ट मेथड है। यूं 80-90% आपकी स्ट्रेस गायब हो जाएगी, ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है ये। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई नो वीडियो हल्की सी लंबी थी, हल्की नहीं बहुत ज्यादा लंबी थी, बट मुझे लगता है कि यार आपको शायद चीजें सीखने को मिली होंगी। आप एक मूवी देखोगे ना, शायद 1-2 घंटे की मूवी देखोगे, उससे 100 times ज्यादा आज आप यहाँ सीख के जाओगे। जिसने पूरा देखा है मुझे पता है वो बहुत सीख के जाएगा। 21 दिन का चैलेंज आपको दे दिया है, अब कमेंट कौन करेगा कि हाँ भैया करने वाला हूँ? याद रखना सिर्फ वो कमेंट मुझे चाहिए जिनको करना है, जो करने के लिए तैयार हैं और वो करना चाहते हैं तभी कमेंट करना, अगर हिम्मत नहीं है तो मत करना कमेंट, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट चाहिए जो कि 21 दिन बाद आकर लिखे इसी वीडियो के अंदर कि भैया मैंने कर दिखाया। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, एंड अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक अलग चैनल बना दिया है जिसपे कि मैं लेक्चर्स वगैरह भी डाल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ फ्री में देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक एम है एजुकेशन सिस्टम में कुछ रेवोल्यूशन ले पाएं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव ला पाएं हमारे एंड से। तो यार अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि यूथ, जो यूथ है ना ये फ्यूचर है, तो हमें यूथ को एजुकेट करना है। अगर हम यूथ को एजुकेट कर पाए, हमारे जैसे, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे बच्चों को हम एजुकेट कर पाए, तो उसके बाद यार हम फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो इस बात को याद रखना कि हमें एजुकेटेड रहना है, चीज़ें समझनी है और पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। तो एक दोस्त के साथ शेयर करना, अगर तुम जेन्युइन हो और इस चैनल के बहुत टाइम से फॉलोअर हो या फिर नए फॉलोअर हो, एक दोस्त के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी, बट एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करो। शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर डालो। बाय बाय।